Good morning students, welcome to my class. Today we are continue our chapter 1 fractional numbers. Aaj hum iski exercise 5th karenge student. Exercise 5th mein students humne kya batana hai ki hame jo fractional number diya gaya hai wo uski lowest form hai ya nahi hai. Fractional numbers exercise 5th. Which of the following fractions are in their lowest term? हमें जो fractions दिए गए हैं क्या वो उसकी lowest term है या नहीं है? इसके लिए students हमें क्या करना होगा? हमें factors निकालने होंगे numerator के भी और denominator के भी. Factor निकालने के बाद हम क्या देखेंगे students? दोनों में से common factor कितने हैं? अगर कॉमन फैक्टर ओनली वन है तो इट मीन्स वो उसकी लोएस्ट टर्म है. अगर उसके अलावा कॉमन फैक्टर और भी है तो इट मीन्स वो उसकी लोएस्ट टर्म नहीं है. अब देखिए हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर है 20/50. सबसे पहले आप क्या करेंगे, 20 के फैक्टर्स निकालेंगे. फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर, 20 हमारा स्टूडेंट क्या है न्यूमरेटर और 50 हमारा क्या है डिनोमिनेटर है. क्लियर? अब हमने इसके फैक्टर्स निकाले. 20 के फैक्टर्स स्टूडेंट क्या क्या हो जाएंगे? 1, 2, 2, 10 जा क्या होता है 20. अब देखिए 4, 5 जा 20 होगा. क्लियर? नेक्स्ट 5, 4 जा 20 10, 2 जा 20 21 जा 20. ये सब क्या है 20 के फैक्टर्स है, इट मीन्स जिनका डिवाइड हो जाता है. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर. अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने 50 के फैक्टर्स निकालने हैं. 50 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1, 2, 25, 2 जा 50. क्लियर? फिर 5, 10 जा 50 10, 5 जा 50 25, 2 जा 50 50, 1 जा 50. अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए. हमने इनमें कॉमन्स लेनी है, 1 कॉमन 2 कॉमन. क्लियर? नेक्स्ट है 5 कॉमन, फिर है 10 कॉमन. क्लियर स्टूडेंट, समझ आ रहा है आपको? अब हमने देखना है इसके इतने कॉमन्स हैं, इट मीन्स ये क्या है इसकी लोएस्ट टर्म नहीं है. जिसके कॉमन ओनली वन होगा वो उसकी लोएस्ट टर्म होगी. कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 50 क्या क्या हो जाएंगे? 1, 2, 5 एंड 10. द फ्रैक्शन इज नॉट इन द लोएस्ट टर्म बिकॉज इसके 1, 2, 5 एंड 10 क्या है कॉमन है. अब देखिए स्टूडेंट इसके ये हमें पता चल गए कॉमन है तो इट मीन्स ये लोएस्ट टर्म नहीं है. इसको हम और भी सॉल्व करके इसकी लोएस्ट टर्म बना सकते हैं. वो स्टूडेंट कैसे बनाएंगे, अब देखिए 20/50 है. क्लियर? अब आप क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर सकते हैं. 10 2 जा 20 10 5 जा 50 2/5 जो है ये इसकी लोएस्ट टर्म है. हमें दी गई है 20/50, ये इसकी लोएस्ट टर्म नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या फ्रैक्शन नंबर है, 13/47. अब हम इसके क्या निकालेंगे स्टूडेंट, कॉमन लेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे. 13 का फैक्टर क्या क्या बनेगा स्टूडेंट? 1 एंड 13. 13 में और किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं होता. नेक्स्ट 47 के आप क्या लेंगे स्टूडेंट फैक्टर? 1. क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए क्या इसके होंगे, 19 नहीं होगा, सॉरी स्टूडेंट, इसके बाद इसका ओनली 47 ही होगा. अब देखिए इनमें से कॉमन क्या है, 1. क्या है इनमें से कॉमन? 1. इट मीन्स ये दो नंबर किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं. इट मीन्स ये इसकी क्या हो जाएगी, लोएस्ट टर्म. क्या लिख देंगे आप इसको, लोएस्ट टर्म. क्लियर? टिक लगा देंगे इसमें. क्लियर? नेक्स्ट चलिए हमारे पास नंबर है 24/30.
सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, 24 के आप निकालेंगे फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे 24 के? सबसे पहले हो जाएगा 1, फिर 2, 12 टू सा होता है ना 24, इसके बाद हो जाएगा 4, फिर 6, फिर 8, 12, 24। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम निकालेंगे 36 के। 36 के स्टूडेंट क्या क्या हो जाएंगे? सबसे पहले 1, 2, 18 2 36, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नेक्स्ट 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा एंड 36। अब इसमें स्टूडेंट आप कॉमन निकालेंगे 1, 2, इसके बाद 4 आ जाएगा, इसके बाद स्टूडेंट क्या कॉमन आ जाएगा 12। इट मीन्स 1 के अलावा भी इसके और कॉमन मल्टीपल्स हैं, इसलिए ये क्या है, लोएस्ट टर्म नहीं है। इसको हम लोएस्ट टर्म में कैसे लिख सकते हैं, 12 से कट कर सकते हैं, 12 2 24, 12 3 36, 2/3 जो इसकी है ये इसकी लोएस्ट टर्म है, ये लोएस्ट टर्म नहीं है। क्लियर, लोएस्ट टर्म नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ हमारा क्या है, 25/36। अब इसको स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से कीजिएगा आप, इसके हमने क्या निकालने हैं फैक्टर्स। सबसे पहले हो जाएगा 1, उसके बाद 5, उसके बाद 25। क्लियर। नेक्स्ट अब निकालेंगे हम 36 के फैक्टर, 1, 2, 3, इसके बाद 4, फिर हो जाएगा 9, फिर 12, फिर 36। अब देखिए स्टूडेंट, इनमें से कॉमन क्या क्या है, ओनली 1। इट मीन्स ये इसकी क्या है, लोएस्ट टर्म है। क्या है ये, लोएस्ट टर्म है। क्लियर। 1 के अलावा अगर कॉमन मल्टीपल आ रही है तो वो उसकी लोएस्ट टर्म नहीं है। क्लियर। अगर 1 ही ओनली कॉमन है तो वो क्या है, लोएस्ट टर्म है। क्लियर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।